श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित है। देश भर में जश्न मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इसी के चलते ऊना भाजपा कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। अयोध्या का ध्वज फहराने की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। भाजपा कार्यालय दीपकमल में इस अभियान को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, जिसमें महिला मोर्चा के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हाथ बटाते हुए नजर आ रही हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भगवान राम के भजन गाते हुए सामान की पैकिंग कर रही हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संदेश के साथ ही अयोध्या का ध्वज, एक दीपक, स्टीकर और एक कैलेंडर शामिल है। इस सामान को भाजपा के कार्यकर्ता 21 जनवरी तक जिले के प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनु ठाकुर ने कहा कि लंबे अरसे के बाद सनातन के लिए ये समय आया है, जिसको लेकर हर कोई उत्सुक है। भव्य मंदिर रामलला प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, जिसमें ये सामग्री उन्होंने जो भेजी है, जिसमें एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक पैम्पलेट छपा हुआ है और एक राम जी का झंडा है और साथ में एक दीपक है। तो ये सारा मटेरियल जो है, हम कोशिश करेंगे कि 21 तारीख तक शाम तक हर घर हर द्वार के अंदर ये पहुँचाया जाएगा और 22 तारीख को हम अपने रामलला जी के उसके निर्माण के उपलक्ष्य के ऊपर जो है हम हर घर के ऊपर दिवाली मनाएंगे। तो जिसके लिए मैं अपने भाई अनुराग जी का और मोदी जी का तहे दिल से, मेरी पूरी जिला की टीम, मेरी महिला मोर्चा की टीम, उनका धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने इतना जो है वो इसके बारे में सोचा। 22 जनवरी को लेकर हर शख्स में बेसब्री नजर आ रही है। अपने भगवान की पूजा आराधना के लिए हर कोई उत्साहित है और आगे बढ़ चढ़कर अलग अलग तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। ऊना से सूर्य समाचार के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।